तो करेंगे अगली खबर की ओर, जहां ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में एक मकान में नकली दूध और उससे बने उत्पाद को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हां, पुलिस का कहना है कि इस मामले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के लोगों को बुलाया गया है। उनकी जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस को फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है और मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को डिटर्जेंट, केमिकल दूध जैसा पदार्थ और कुछ भट्टी भी मिली है। फिलहाल पुलिस एक्सपर्ट्स की राह लेकर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। यहां मिले दूध के पदार्थ खाद्य विभाग ने एकत्रित किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। हजीरा थाने से बीट आरक्षक रवि शर्मा आज एक अपनी रूटीन तामीली ड्यूटी में थे। उन्होंने एक मकान में तामीली के लिए गए तो उन्हें वहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, जिसमें नकली दूध जैसा उनको प्रतीत हुआ। उन्होंने इसकी सूचना थाना प्रभारी संतोष भदौरिया को दी और यहाँ मैं बल के आके जब देखा गया तो ये केमिकल कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, केमिकल जैसा केन्स हैं, एक शैम्पू जैसा पैकिंग है और साथ में पानी से बनाया हुआ दूध और फिर कुछ एक हीटिंग प्लांट है जिसमें वो गर्म करके पनीर जैसा पदार्थ कुछ बनाया जा रहा है। ये सूचना ड्रग इंस्पेक्टर को और फूड विभाग को दी गई है, संबंधित विभाग इसमें कार्यवाही करेंगे।